हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेज बाइट्स। आज हम बेसिल सीड्स को यूज करके एक ड्रिंक बनाएंगे। बेसिल सीड्स को सब्जा के बीज भी कहते हैं और इनका अपना एक मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है। तो चलिए बनाते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड बेसिल सीड्स ड्रिंक। सबसे पहले एक बाउल में लेते हैं एक छोटा चम्मच बेसिल सीड्स। अब ऐड करते हैं इसमें आधा कप पानी। इसे मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए हम सोक करने के लिए रखेंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए बेसिल सीड्स अच्छे से फूल गए हैं। अब हम बनाते हैं शुगर सिरप। इसके लिए एक पैन में मैं ले रही हूँ 350 ml के करीब पानी। अब ऐड करते हैं इसमें 2 बड़ा चम्मच चीनी, साथ ही डालेंगे इसमें 3 बड़ा चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अब फ्लेम को लो पर सेट कर लेते हैं और इसे कुक कर लेते हैं। पहले इसे हम चीनी के घुलने तक कुक कर लेते हैं। अब डालते हैं इसमें बेसिल सीड्स जिन्हें हमने सोक करके रखा था। अब इसे लगभग 5 मिनट के लिए हम फर्दर कुक कर लेते हैं जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। इसे कुक करते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ट्रांसफर कर लेते हैं इसे एक बॉल में और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। इसके बाद इसे 45 टू 50 मिनट्स के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। रेडी है हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड बेसिल सीड्स ड्रिंक। मार्केट स्टाइल लुक देने के लिए मैंने इसे बॉटल में सर्व किया है। आप इसे ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।